और ऐसा आदमी है वो, ऐसा आदमी है कि कभी उसने बोला था और उसके लिए देश उसको माफ नहीं करेगा। उसने बोला था कि बलात्कार होने के बाद औरतें जिस तरह से चलती है ना, मैं वैसी वैसा चलता था, एक्टिंग कर रहा था मैं। उस आदमी ने बोला था, उसका नाम है सलमान खान, उसने बोला था बलात्कार होने के बाद औरतें कैसे चलती है। अरे सलमान, तेरे को पता है किस तरह की घिनौनी भाषा यूज की थी आपने? आपने नहीं बोलूंगा मैं। तो वो सलमान जो इतना बोलता था ना, कहां छिपा है? ड्रग्स माफिया के बारे में एक आवाज क्यों नहीं उसकी? क्या बातें कर रहे हैं? बात क्या हो रही थी और कहां जा रहे हैं आप? बोलते बंद क्यों? अंदर जी आप क्या बोलते? नहीं मैं बोल रहा हूं, मैं पूछ रहा हूं, मैं पूछ रहा हूं सलमान खान का नाम लेकर अर्शद, कहां है सलमान खान? सलमान एक आवाज नहीं उठी, एक स्टेटमेंट नहीं, एक ट्वीट नहीं, पर्सनल क्या? मैं पूछ रहा हूं सलमान खान कहां है? पूरे दिशा सालियान वाले मामले में चुप क्यों हो सलमान? चुप क्यों हो सलमान? सुशांत की हत्या के बारे में चुप क्यों हो सलमान? किस शहर में हो तुम? किस देश में हो तुम सलमान? देश के नब्ज के खिलाफ बोलने वाले आदमी हो तुम, तो बोल के दिखाओ। बोलती बंद क्यों? बिग बॉस के डायलॉग दिए जाएंगे हाथ में, कोई लिखेगा तो फिर उसको पढ़ोगे रट्टा मार के, रट्टा मार के? तो क्यों ना पूछूं मैं? अरे महानायक के लिए मेरी थोड़ी इज्जत है तो मैं उसका नाम ले नहीं रहा, मगर ये सलमान की बोलती बंद क्यों? क्यों आप, आपके सलमान के लिए बोलने आए हैं? क्योंकि ये लोग बंद है, चुप पे आप लोग सामने आ गए। अर्शी जी बोलिए, मुझे पूछता है भारत। इतना दर्द क्यों ड्रग वालों के लिए? इतना दर्द क्यों? इतना दर्द क्यों? इतना दर्द क्यों ड्रग वालों के लिए? इतना दर्द क्यों? उनका स्टेटमेंट कोई नहीं सकता। बताइए, मैं तो बोल रहा, मैं तो नहीं बोल रहा सलमान खान अपना, मैं बोल रहा हूँ चुप क्यों है सलमान? चुप कर रहे हैं, चुप क्यों है? अरे ये भाई वाला कल्चर चलने वाला नहीं है। अभी बॉडी बनाने के लिए ड्रग्स नहीं होते, यू नो, ये जो लोग यहाँ पे दावा कर रहे हैं कि इतनी माशाल्लाह बॉडी बनाते हैं जो लोग, वो लोग ड्रग्स कैसे ले सकते हैं? तो पहले, सबसे पहले उन लोगों की लिस्ट बनाई जाएगी जो लोग बॉडी बनाते हैं। प्लीज वो सारे लोग आकर अपना नार्को टेस्ट कराए, प्लीज अपना नार्को टेस्ट कराए, तो पूरे इंडस्ट्री का ही हो जाना चाहिए ना, पूरे इंडस्ट्री होना ही चाहिए। बिल्कुल आप सभी सुरक्षा चाहिए भारत की तो सुरक्षा देंगे, मगर पहले साफ कर दीजिए कि क्या आपने जीवन में ड्रग्स के साथ कोई प्रयोग उपयोग आपने किया है कि नहीं, बताइए मुझे, पूछता है भारत। और आप भी नहीं, आपके क्लोज सर्कल वाले लोग, आपके इंडस्ट्री के लोग, बताइए बोलती बंद क्यों? देखिए बोलती बंद होगी, इमरान हसनी की बोलती बंद, अर्शी खान की बोलती बंद, संजना जौहर, किशोर की बोलती बंद, क्या हो गया अनुजा? महिपाल जी कुछ कहेंगे आप? महिपाल जी, महिपाल जी, मैं चाहता हूँ महिपाल सिंह मकराना कुछ बोले। महिपाल सिंह मकराना जयपुर से हमारे साथ लाइव है। महिपाल जी आप दिख रहे हैं, मगर बताइए मुझे इनकी बोलती बंद क्यों है? महिपाल जी पूछता है भारत। महिपाल सिंह मकराना बोलिए, इनकी बोलती बंद क्यों? कोई भी नहीं बोल पाएंगे। बॉलीवुड वालों की बोलती बंद क्यों मकराना जी? हमें मालूम है इन लोगों को किस तरीके से मकराना जी बोलिए। क्या भारत में रहते हुए जब इतनी बड़ी SSR की केस हुई, उनको बोलना नहीं चाहिए था? इनकी बोलती बंद क्यों है, ये सवाल है मेरा आपसे। देखिए यहाँ पर हमारे जहाँ 130 करोड़ की जनता है। नहीं नहीं, बोलती क्यों बंद है? मैं महिपाल जी से प्रॉब्लम्स होती होंगी, मैं महिपाल जी आप लोग डिसाइड करके बहिष्कार हो जाएगा। ये पिक्चर ऊपर बोले, इस पे नहीं बोलोगे तो कहेंगे उस पे क्यों? मैं नहीं, मैं नहीं कह रहा, मुझे लग रहा है, मुझे लोग कह रहे हैं बॉलीवुड माफिया की पिक्चरों का बहिष्कार होने वाला है। मतलब ये वो सब एक ही, सब उसी थाली के चट्टे बट्टे हैं जिस थाली की बात कर रहे हैं। इनकी थाली छेद नहीं है, ये खुद थाली में छेद छेद कर, मतलब इतनी लाशें बिछा रखी है इस थाली में, इतने यंगस्टर, इतने नए लोगों की, जो ये कैसे बोल पाएंगे? ये ड्रग्स पेडलर खुद इनके बच्चे हैं, इनके इनके जो
भाईपाल जी मकराना जी, हमें ड्रग्स के खिलाफ और सुशांत और दिशा के लिए सच्चाई के रास्ते में इन्वेस्टिगेशन करना होगा। और दोस्तों, मुझे पता है कि आज आप लोगों में बहुत गुस्सा है, क्योंकि बॉलीवुड की एक लॉबी ने हमारे और आपके संघर्ष को गाली दी है, हमारी और आपकी ईमानदारी को अपमान किया है। इसलिए खुद को महानायक बताने वाले लोग, सुन लीजिए, आज हमारी थाली आपकी तरह सोने की नहीं है, हमारी थाली मेहनत की थाली है। हम मिट्टी के थाली मंजूर है, हमें भूखा रहना मंजूर है, लेकिन किसी के आगे झुकना मंजूर नहीं है। सुन लीजिए जया बच्चन जी, क्या कहा आप लोगों ने कि हम किसी के थाली में छेद करते हैं, तो मैं कह देता हूं कि हाँ, हम ऐसा कर रहे हैं, जो ड्रग्स वाली थाली जो आप लोगों ने सजाई है उस पर हम छेद करेंगे, जो सुशांत की हत्या वाली साजिश हुई उसमें हम छेद करेंगे, क्योंकि हमारे लिए आत्मसम्मान पहले है और आपके लिए सोने की थाली पहले है। इसलिए देश आज आपका बहिष्कार करेगा। जो दिन भर मेहनत कर रात की रोटी खाता है वो सुशांत के साथ है, और जो दिन रात धुआं उड़ाता है वो बॉलीवुड माफिया के साथ है। आप अपनी लड़ाई इन नशेड़ी गंजरियों के साथ लड़िए, हम सुशांत के लिए लड़ाई लड़ेंगे, ईमानदारी के साथ लड़ेंगे, और इसके उसे इंसाफ हम बिल्कुल दिलाएंगे। दोस्तों, कल शाम 7 बजे फिर आपके साथ लाइव आ जाऊंगा, आपके सामने बड़े खुलासे हैं कल मेरे साथ। तब तक के लिए धन्यवाद दीजिए, धन्यवाद।